से दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। टुकड़े टुकड़े कौन है जो देश को बटवाते हैं? संविधान को बचा लो। इंसानियत कब से बनी इतनी सस्ती? ऐ ज़ालिम वापस जाओ जा। चौक से लिखने की कोशिश कर रहे हैं अगर रोड के ऊपर, इट सेज सेक्युलर इंडिया, नथिंग प्रोवोकेटिव, और वो उसको मिटाया जा रहा है, बार बार मिटाया जा रहा है। हमारे लिए पुलिस फोर्स आ रही है कि तुम चौक से मत देखो, गोली मारो सालों को, ठीक है? लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। इंडियननेस इज अंडर थ्रेट एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट विद आवर प्रोटेस्ट। शहीदों के सपने हम जीते हैं, धर्मों के पन्नों में जीते हैं, बने सारे एक ही किताब में, फिर बांटे क्यों जाते ये खाते ये, वोटों और फोटो के पीछे क्यों भागे ये, प्रचारों में झूठे वादे मांगे सीटे ये सारे, हम किसके सहानुभूति के सहारे हैं। जितने भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, जितने भी वी आर सीइंग लाइक द लीडर्स चेंजिंग देयर स्टेटमेंट्स, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ वी कमिंग टू स्ट्रीट्स। फंदा किसानों के थाली में सपने बरसातों पे भारी है, क्यों लगते गरीबों पे आ रही है, क्यों लगते हम आपस में तो सारे सहमत हैं, बट हम एक एको चेंबर से बाहर निकल के कैसे रीच आउट करें, एंड आई फील लाइक ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू फिगर दैट आउट कॉन्स्टेंटली। दास्तान हिंदुस्तान बेजुबान बना ये अवाम, चले असम चले जमीर मेरा, चले यहाँ पे इनकी बातें इंतकामी, इनमें खामी बसे कि जैसे तो प्राणी है इंसान भी ना, ये इंसाफ भी धर्म और जाति का बाटे बंटवारा, ये बारिश है उस प्रजाति का जिसने डाला राज 200 साल इत्मीनान से और छोड़ा मजहब के बवाल में, ये देश मेरा हम देखेंगे। Faiths coming together near Delhi's Shaheen Bagh. A controversial new citizenship law. The protests themselves have now spread to many other cities and causing this major resistance. One of the most inarticulate person when I speak, but I think with what I try to make or write, when I write music, that's a win. आप लोग मेरे को इस पे मदद करेंगे कोरस पे, गाना है पैसा फेंक तमाशा देख, हाँ पैसा फेंक ए तमाशा देख, तालियों के साथ पैसा फेंक तमाशा देख, आवाज दो, हम एक हैं। धीरे 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 हो रहा अब शक है, गली तो छोटी पर गई की ठोक लाठी, तू न्यूज चैनल तेरे चाबुक से डरा तो क्या, सच सड़कों पे खुद आएगा बोलने, पर पूर्ण स्वराज शब्दों पे लाठी क्यों घिसता है हाथ, मैं लिखने से डरू क्यों, क्या यही है अच्छे दिन, Swaraj was a song called Achhe Din. This was slated to be released during the Gauri Lankesh murder. Me and Abhishek, we were both really scared and nervous to put it out then. बात बाकी है, इंसान तू स्वदेशी क्या कौन पाकी है, बाधी राखी पर कहे तू रात बाकी है, लड़की किसको छोटी काफी है। I was in Gujarat. Almost every second friend had a riot story. And that hit home. I was glad, like, I mean, if I was in Gujarat, I would have been really scared to put this out. What's a definite win is to see, like, people use our lyrics as placards, to see people use our art as placards. More importantly, like, I mean, just to go there and represent is my sole reason to come join these protests. Yeah, we have to really change the narrative, dude. These are the real tukre tukre gang.
मैं U2 के कॉन्सर्ट पे था और फिर वहाँ से जब मैं बाहर आया और जब हमें इंटरनेट मिला और जब मुझे पता चला कि हो क्या क्या रहा था, इट जस्ट फ्लोड एंड आई जस्ट मैं ऊबर में बैठ के लिखते लिखते जा रहा था एंड सुबह 4-5 बजे वी रिकॉर्डेड एंड रिलीज द गो प्रोटेस्ट वीडियो. सबको धीरे धीरे हो रहा अब शक है, गली तो छोटी पर गई क्यों ठोके लाठी तू, न्यूज चैनल तेरे चाबुक से डरा तो क्या, सच सड़कों पे खुद आएगा बोलने. सुबह शाम मोदी को गाली दो. अब होगा क्या? चेक 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 चेक. आवाज आ रही है आपको मेरी? अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बार साथ में नारा लगाना, इनकलाब इनकलाब. ये गाना आप लोगों ने जो ओरिजिनल गाना है वो सुना होगा और जब आपको समझ आ जाए कि ओरिजिनल गाना कौन सा है तो साथ में गाना. तुम स्टूडेंट्स से जो टकराओगे, जो टकराओगे, जो टकराओगे, तुम स्टूडेंट्स से जो टकराओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे. Parody helps in putting forward your narrative in something which is familiar with the audience. तो उनको अब याद बस ये करना पड़ता है कि गाने के नए बोल क्या हो गए हैं. इनिशियली व्हेन आई वुड गो टू अ प्रोटेस्ट आई वुडंट नो कि मेरा यहाँ पे पार्ट क्या है. वुड बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड. आई यू नो मैं लोगों का हौसला अफजाई जिस तरीके से नारे लगा के कर लेता था, बट आई वुडंट रियली नो कि मतलब व्हाट एम आई गिविंग टू द बिगर पिक्चर, लाइक व्हाट पिक्सल एम आई इन दिस बिग पिक्चर. तो उसके बाद आई थिंक विद सम थॉट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस म्यूजिक देन आई थॉट कि दिस इज द प्राइमरी प्लेस वेयर दिस हैज टू बी प्लेड. जब तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ, फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की राह, वापस जाओ जाओ जाओ. देर आर इंस्टेंसेज जब मतलब हमें, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ पब्लिकली एंड लाइक वी हैड टू स्टॉप इट एंड रश. पहले तुम्हें इस बात से डरा देंगे कि तुम गाओ मत, बट इवेंचुअली यू हैव टू गेट इट डन सम हाउ, लाइक वी हैव टू फाइंड अ वे टू इट. पिक जाना भी मेरा मोटिव नहीं है. क्या मुर्दाबाद है? नहीं मिटाए तो नहीं ना. That's a good strategy now. हमारा ना मोदी है, ना अमित शाह है, ना केजरीवाल है, ना सोनिया गांधी है, ये तिरंगा है. इसे शायद ये लोग भी वही बोल रहे हैं. ये तो खत्म के बाद नहीं है, यही तो बयान आप नहीं है. Every time in an NCERT textbook, you would see the first page was the preamble. And you felt very dear to it. Feel very responsible ki isko intact rakhna hai. And that is something that is under attack now. Let's go. मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे हम देखेंगे गाऊंगा. नेवर डिड आई इमेजिन माय लाइफ कि हम देखेंगे गाने से मुझे लगता है कि प्रोवोकेटिव इफेक्ट आ सकता है जनता में. आज के नाम पढ़ने वालों के नाम, वो जो असहाब तलबो अलम के दरों पर किताब और कलम का तकाजा लिए हाथ फैलाए, वो मासूम जो भोलेपन में वहाँ अपने नन्हे चिरागों की लौ की लगन लेके पहुँचे, जहाँ बट रहे हैं घटा टोप बेअंत रातों के साए. आज के नाम पढ़ने वालों के नाम. My country is up in flames, in the flames of saffron. Sentiments ablaze in the haze of violence. No free speech, just days of silence. No beef with the government, a seek in silence. I wrote saffron blaze,
almost a year back, when a lot of changes were happening in the country. Reports of saffron violence, so to speak, hence the name Saffron Ablaze. So I feel like hip-hop has always been a movement that has been out on the streets, and if we as rappers need to make a change, we need to bring hip-hop back to the streets. داستان ہندوستان بے زبان بنا یہ عوام جلے اسام جلے ضمیر میرا چلے یہاں پہ ان کی باتیں انتقامی ان میں خامی بس ایک جیسے تو پرانی ہے انسان بھیرا ہے یہ کلیش کیسا اوڑے یہ بھیس کیسا پیکی سویٹر پہ نئی چمڑی اور رنگ گہرا انگلش از سم تھنگ دیٹ آئی ایم کمفرٹیبل وِد سو آئی یوزلی پریفر ٹو ریپ ان انگلش بٹ دیٹ ایکسکلوڈز اے لاٹ آف پیپل کریٹس این ایکو چیمبر So now I'm trying to climb out of that. Sun lena, aisa na sun rehna, apna paksh chun lena, hausla bun lena, chup rehna zulm hai na. Ye jo jaati mein baate aur fir shanti phailate, inko keh do ja ke dekho inqilab bhi yahan pe. I think the best part about the whole protest culture is the fact that it's something that's built upon conversations. It's not isolated. Sab koi, har koi sirf sunne nahi aa raha hai. Log aapas mein baat karte hain, then you get to learn a lot more about whatever's happening. It was assumed ki aapke paas absolutist viewpoints hain, tabhi aap yahan pe aaye ho. Par aisa nahi hai. Kai logon ko nahi pata hai, and wo seekhne ke liye aaye hain. And I feel like for me as an artist, in terms of coming to protest, I'm also thinking in terms of sounds. What can best capture the spirit of the revolution in that sense, and bring that back into the music that I'm making. Growing up as an army kid, I was groomed to be patriotic somewhat. But now there are questions of who's patriotic, who's not, who's an anti-national, who's an urban naxal. So these terms are not coming to mind. And this anger is very internal. It's very individual, and it affects people around us. One of my friends got shot recently. So anger is not coming. What does that mean? When this is happening in your circles, then anger will come, right? When everybody is willing to budge from their own positions, their own comfortable positions, and come out on the streets now. So I feel like this shouldn't stop. This can't stop. And for a number of issues, khatam to kuch nahi hone wala jab tak log chale nahi aate. Main ghaas hoon. Main aapke har kiye dhare par ugaunga. Bomb phenk do chahe vishwavidyalay par. Bana do hostel ko malbe ka dher. Suhaga phira do bhale hamari jhopdiyon par. میرا کیا کرو گے میں تو گھاس ہوں ہر چیز پر اگاؤں گا جب تک ہے باقی سینے میں دم گائیں گے اے ظالم واپس جاؤ 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 پھر لہرائے گی لال گگن میں تیرے ارادوں کی راکھ واپس جاؤ ظالم جاؤ واپس جاؤ جاؤ جاؤ